हाय दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली दो कहानियों में आपको बताया था, मैं हिमाचल प्रदेश के एक बिजी हाईवे पे अपना खुद का एक ढाबा चलाता हूँ और मेरे ढाबे पे आने वाले कस्टमर्स अक्सर मुझे अपने साथ घटी घटनाएं बताते रहते हैं। इसके बदले में मैं अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट भी देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरे ढाबे में आए एक आदमी की कहानी बताई थी जो कि एक बिजली घर में काम करता था। आप लोगों को वो कहानी बहुत पसंद आई थी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी करीब 5 साल पहले मैंने एक कस्टमर के मुंह से सुनी थी। तो हुआ यूं था कि एक बार हमारे यहाँ बेंगलोर से 8-10 डॉक्टर्स का एक ग्रुप आया था। वो लोग हिमाचल में घूमने के लिए आए थे और आगे जाते हुए वो कुछ देर के लिए हमारे ढाबे पर रुक गए थे। असल में वो लोग डॉक्टर्स नहीं थे, मुझे ठीक से याद नहीं उन्होंने क्या बताया था, लेकिन वो किसी तरह के डॉक्टर साइंटिस्ट थे जो वायरस से होने वाली बीमारियों के ऊपर रिसर्च किया करते थे। उनकी बस हमारे ढाबे पर आके रुकी तो वो लोग बस से उतर के अंदर आके बैठ गए। उन्हीं में से थी एक लेडी जिसकी उम्र 60-65 के आसपास लग रही थी। वो बाकी 7-8 लोग तो एक साथ ही एक टेबल पे बैठ गए थे, लेकिन वो लेडी अकेली एक दूसरी टेबल पे बैठी फ़ोन पे बात कर रही थी। शायद घर पे बात कर रही होगी और शायद उसको फ़ोन पे बात करना था, इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठी थी। मैं उनको देखते ही समझ गया था कि ये यहाँ की नहीं है और जो भी हैं बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग लग रहे हैं। मैं कुछ देर अपने काउंटर पे ही बैठा उस लेडी को देखता रहा। फिर जब उसकी फ़ोन पे बात पूरी हो गई तो मैं जाके उसके पास बैठ गया। मुझे ऐसे यूं अचानक आते देख वो थोड़ा सा चौंक गई, लेकिन फिर मैंने उसको नमस्ते कहा और बताया कि मैं इस ढाबे का मालिक हूँ, तो वो नॉर्मल हो गई। फिर मैं उसे नॉर्मल इधर उधर की बातें करने लगा। उसने बताया कि वो मेडिकल लाइन में कुछ है, शायद कोई एपिडमियोलॉजिस्ट या ऐसा ही कुछ, और वो उस ग्रुप की सबसे सीनियर डॉक्टर है। सच बताऊं तो उसकी कई बातें तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कर रही थी और दूसरा उसकी बोली भी बहुत अलग सी थी। उसने बताया कि वो लोग असल में यहाँ 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और कॉन्फ्रेंस पूरी होने के बाद उन्होंने सोचा कि 1-2 दिन पहाड़ों में घूम के मस्ती की जाए। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, हिमाचल में घूमने फिरने की बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, आपको यहाँ ज़रूर मज़ा आएगा। हम कई देर तक उनके काम के बारे में बातें करते रहे। उसने बताया कि वो लोग मलेरिया, इबोला जैसी तमाम वायरल बीमारियों के ऊपर रिसर्च करते हैं और इसके लिए उन्हें देश के कोने कोने में जाना पड़ता है। लेकिन मैं तो उससे भूतों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि ये साइंटिस्ट, डॉक्टर्स वगैरह इन सब बातों को नहीं मानते, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इससे भूतों की बात करूंगा तो ये शायद मुझे पागल समझेगी। तो मैंने उसे डायरेक्ट भूत प्रेतों के बारे में ना पूछ के बस यही पूछा कि मैडम, आपके कैरियर में कभी आपके साथ कोई ऐसी डरावनी घटना हुई है या आपने ऐसा कुछ देखा है जिसे देख के आप बहुत डर गई हो या जिसने आपको बहुत परेशान कर दिया हो। मेरी बात सुन के वो चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। शायद वो ये सोच रही थी कि ये बात इसे बतानी चाहिए या नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, आप कोई रिपोर्टर तो नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं, मैं कोई रिपोर्टर वपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो बस इस ढाबे का मालिक हूँ, बस मुझे इंटरेस्ट है इन सब बातों के बारे में सुनने का। मैंने उसे बताया कि मैंने तो अपने यहाँ ये स्कीम भी चला रखी है कि जो भी मुझे अपने साथ घटी कोई सच्ची घटना बताएगा उसको हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर चाय की घूंट लेते हुए वो कुछ सोचते हुए मुझसे बोली, आप लोग, मतलब कि आम जनता ये सोच भी नहीं सकती कि हम किस तरह की खतरनाक चीज़ों पर काम करते हैं। मैं तुमको एक घटना के बारे में बताऊंगी
लेकिन तुमको वादा करना होगा कि इस बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। ये बात कभी भी मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा, और वैसे भी थोड़ी देर बाद ही आप यहाँ से चली जाएंगी, उसके बाद तो हमारी कभी मुलाकात भी नहीं होगी। उसने बताया कि वैसे तो वो लोग खतरनाक वायरस और बीमारियों पर काम करते ही रहते हैं, लेकिन 6 साल पहले उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ था जिसने उसको बहुत परेशान करके रख दिया था। उसने बताया कि ये करीब 6 साल पहले की बात है। उन दिनों वो एक प्राइवेट फार्मा कंपनी के साथ वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी। इसके लिए उनको अलग अलग जगहों पर जाना होता था जहां वो बीमारी फैली होती थी। कई बार उनको दूसरी कंट्रीज में भी जाना होता था। उसने बताया कि वो जब भी ऐसी किसी जगह पे जाते तो उनका सबसे पहला काम होता था कि वो ये पता लगाएं कि ये बीमारी किस वायरस से आई है, ये कोई पुराना वायरस ही है या कोई नया वायरस आ गया है। उसने बताया कि एक बार उनको बांग्लादेश के एक गांव में बुलाया गया था। उसने मुझे उस गांव का नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो गांव समुद्र किनारे पड़ता था। जब वो लोग उस गांव में पहुंचे तो देखा कि गांव को दूसरी जगहों से बिल्कुल काट दिया गया था, मतलब कि उस गांव में ना तो कोई बाहर से आ सकता था और ना गांव का कोई आदमी गांव से बाहर निकल सकता था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, मैंने पहले भी ऐसा कई जगहों पर होते देखा था, लेकिन उस गांव में पहुंचने पर हमने देखा कि वहां मिलिट्री को शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए थे, मतलब कि गांव का कोई भी आदमी अगर गांव से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे उसी वक्त गोली मार दी जाए। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां जाते ही मेरी वहां के ऑपरेशंस लीडर से इस बारे में बहस भी हो गई थी। मानती हूं कि उस गांव के लोग बीमार थे, उनको कोई अजीब सी बीमारी हो गई थी, लेकिन गोली मार देना ये तो सरासर ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। यहां मैं बता दूं कि तब तक मैं उन गांव वालों से मिली नहीं थी, ना मुझे ये पता था कि उनको बीमारी क्या हुई है। वहां के ऑपरेशंस लीडर ने बताया कि उनको ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो गांव वाले बेचारे गरीब लोग थे जिनमें से ज्यादातर मछली पकड़ने का ही काम करते थे। यहां तक कि वहां मीडिया को भी आने की परमिशन नहीं थी। पूरे ऑपरेशन को बहुत ही गुपचुप तरह से चलाया जा रहा था। गांव के बाहर हमारे रुकने के लिए टेम्परेरी रूम्स और लैब्स बनाई गई थी। गांव में पहुंच के हम सब ने जल्दी से हैजमेट सूट्स डाले और अपना गियर लेकर गांव के अंदर चले गए मरीजों को देखने के लिए। वो काफी बड़ा गांव था, हमारी टीम में 6 लोग थे, इसलिए हम 3-3 की 2 टीम्स में डिवाइड हो गए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मरीजों से मिल सकें। अब हम गांव के अंदर गए ही थे कि हमें एक घर के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। 14-15 साल की उम्र होगी उसकी। वो अपने घर के सामने एक लकड़ी के पोल जैसे खंबे को पकड़ के खड़ी थी, लेकिन उसका सिर पीछे की तरफ घुमा हुआ था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। मेरी टीम ने उसको देखा तो हम उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो लड़की जोर जोर से हिलने लगी, बहुत जोर जोर से, जैसे कि उसको बहुत तेज दौरा आ गया हो। हम जल्दी से उसके पास जाने लगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसके पास पहुंचते वो लड़की एकदम से शांत हो गई, मतलब कि उसकी बॉडी की सब मूवमेंट्स एकदम से रुक गईं। मैं समझ गई थी लड़की मर चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़की अभी नहीं मरी बल्कि इसकी मौत तो कई दिन पहले हो चुकी है। हम उसकी बॉडी के पास पहुंचे तो देखा कि उसकी बॉडी सड़ रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, अभी अभी तो हमने उसकी बॉडी में मूवमेंट देखा था, वो तो रो भी रही थी। हाँ, उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो जिंदा थी। हम तीनों ने ये देखा था, बहुत अजीब बात थी। उसकी बॉडी सड़ के काली पड़ चुकी थी, जैसे कोई सड़ी लाश हो जिसको नदी से खींच के बाहर निकाला गया हो।
हम उसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन करने लगे। हमने नोटिस किया कि उसकी अपर बॉडी की हालत तो इतनी खराब नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी नीचे से बिल्कुल खत्म हो गई थी। हमने उसकी सलवार ऊपर करके देखा तो टांगों में सिर्फ हड्डियां बची थीं। मैंने आज तक ऐसी कोई इन्फेक्शन नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर बढ़ रही है। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारी टीम में एक लड़की थी जिसने कुछ ही टाइम पहले हमें ज्वाइन किया था। ये सब देख के वो तो सुबक सुबक के रोने लगी। मैंने किसी तरह उसको शांत करवाया और फिर उस लड़की की डेड बॉडी से एक टिश्यू का टुकड़ा काटा और अपने बॉक्स में रख लिया और आगे बढ़ गए। अब हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि हमें एक घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती सुनाई दी। वो एक छोटा सा घर था। हम घर के अंदर गए तो देखा कि अंदर एक पूरी फैमिली की लाश पड़ी थी, हस्बैंड, वाइफ और उनके तीन बच्चे। लेकिन वहाँ भी सबसे अजीब बात यही थी कि उन सबकी मौत हुए कई दिन बीत चुके थे। उन सबकी लाशें सड़ रही थी जबकि हमें तो अभी अभी उन बच्चों के रोने की आवाज़ आई थी। समझ नहीं आ रहा था ऐसे कैसे हो रहा है। हमने उन बॉडीज से भी कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर लिए। आगे हमको दो तीन और ऐसी डेड बॉडीज मिली जो पूरी तरह से सड़ चुकी थीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर मूवमेंट था। हम सभी सैंपल्स लेकर चुपचाप गांव से बाहर अपने बेस में पहुंच गए। बेस में पहुंच के हमने अपने ऑपरेशंस लीडर को ये सब कुछ बताया। मुझे लग रहा था वो ये बात सुन के चौंक जाएगा, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। शायद वो ये बात पहले से ही जानता था। खैर, हमने सभी सैंपल्स को स्टडी करना शुरू किया। डेड बॉडी से जो सैंपल्स हम लेकर आए थे उनसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं उनको डेड बॉडीज तो बोल रही हूँ, लेकिन वो बॉडीज डेड नहीं थी, ये हमें बाद में पता चला था। इसलिए हमारी टीम फिर से गांव में गई और उस पहले वाली लड़की की पूरी बॉडी को ही हम लैब में ले आए। अगले 3-4 दिनों में ही हमें पता चला कि हमारे ऑपरेशंस लीडर ने आगे कंटिन्यू करने से मना कर दिया और उसने ये जॉब छोड़ दी। एक और टीम जो इस बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रही थी, उस टीम के 2 लोगों ने अगले कुछ दिनों में सुसाइड कर लिया था। शायद आप लोगों को इस बात का एहसास ना हो, लेकिन इस काम में हमें कितनी स्ट्रेस झेलनी पड़ती है ये बस हम ही जानते हैं। खैर, उस बॉडी की बात करूं तो जब हमने उसे एग्जामिन किया तो पाया कि उस लड़की के दोनों पैरों की आर्टरीज, मतलब कि नसें जिनसे खून सप्लाई होता है, वो ब्लॉक हो रखी थीं। और इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि ना सिर्फ पैरों की नसें बल्कि उसकी पूरी बॉडी की नसें ब्लॉक हो रखी थीं, जो कि बहुत अजीब बात थी। एक 12-13 साल की लड़की की सब नसें ब्लॉक हो जाना ये नॉर्मल बात नहीं थी। इसके बाद लैब में एक और बॉडी लाई गई, वो भी एक जवान लड़के की बॉडी थी। मुश्किल से 17 साल उम्र होगी उसकी। उस लड़के का एक हाथ अजीब ही तरीके से बिल्कुल सड़ चुका था और दोनों पैर भी सड़ना शुरू हो गए थे, जबकि उसकी बाकी की पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो जो कोई भी वायरस या पैरासाइट उसकी बॉडी को सड़ा रहा था वो अगले बॉडी पार्ट पर तभी बढ़ता जब तक कि पहले वाला बॉडी पार्ट पूरी तरह से सड़ नहीं जाता। मतलब कि ये इन्फेक्शन खतरनाक होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी थी। जब वो लड़का लैब में आया तब वो जिंदा था लेकिन होश में नहीं था। हमने उसे एग्जामिन करने के लिए उसकी बॉडी को बस टच किया ही था कि उसने आंखें खोल लीं। शायद वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोलने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला उसके मुंह से खांसी होने लगी और खांसी के साथ बहुत सारा खून बाहर निकलने लगा। हम ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके ऐसे करते ही हम सब एकदम से पीछे हटे, लेकिन वो लड़का हमें पकड़ने के लिए हाथ आगे करके झपटने लगा और करीब 20 सेकंड झपटने के बाद वो एकदम से शांत हो गया। उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अभी तो चीज़ें और बुरा होना बाकी थीं।
उस वक्त तो हमने ये नोटिस नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद हमने नोटिस किया कि उस झपटा झपटी में हमारी टीम की एक लड़की का हैजमेट सूट फट गया था, बल्कि यूं कहूं कि उस लड़के ने उसे फाड़ दिया था। और ना सिर्फ उसका हैजमेट सूट फटा था, बल्कि उस लड़की के पैर पर उस लड़के ने खरोंचे भी मार दी थीं। जब हमारे नए ऑपरेशंस लीडर को ये पता चला कि हमारी टीम के एक मेंबर के साथ ऐसा हुआ है, तो ये पता चलते ही पूरे बेस पर अफरा तफरी मच गई। जल्दी से उस लड़की को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करवा के एक दूसरे क्वारंटाइन कैंप में भेज दिया गया। चीज़ें इतनी सीक्रेट रखी गई थी कि कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ते, यहाँ तक कि एक महीना गुजरने के बाद भी हमें उस लड़की की कोई खबर नहीं मिली। अगर उसमें सिम्टम्स आने होते तो इतने दिनों में आ ही जाते, लेकिन कोई कुछ पता भी नहीं रहा था। बस हमें लगातार यही ऑर्डर दिया जा रहा था कि जल्दी से ये पता लगाया जाए कि इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। फिर करीब डेढ़ महीने बाद वो लड़की एक दिन वापस हमारे कैंप में आ गई। उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बताया कि उसको डेढ़ महीने तक क्वारंटाइन करके रखा गया था, लेकिन उसको इन्फेक्शन का कोई सिम्टम नहीं आया, इसलिए उसे वापस भेज दिया गया। उसके पैर पे वो खरोंचों के निशान भी बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन फिर करीब दो महीने बाद उसकी बॉडी में अपने आप सिम्टम्स आने लगे। शुरुआत उसके उसी पैर से हुई थी जिसमें उसको खरोंच लगी थी। रातों रात उसका पैर अपने आप सड़ने लगा, जबकि उसकी अपर बॉडी बिल्कुल ठीक थी। ब्लड सैंपल्स, टेस्ट्स वगैरह में भी ऐसा कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। तब तक हमें इस इन्फेक्शन के ऊपर रिसर्च करते हुए तीन महीने हो चुके थे। हमने बहुत सारे सैंपल्स इन्वेस्टिगेट किए थे। सब विक्टिम्स में एक चीज सेम थी कि वो सबके सब किसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड थे, लेकिन ये पैरासाइट क्या था, कहाँ से आया, ये समझ नहीं आ रहा था। ना हम उसको प्रॉपर डिफाइन कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हर एक विक्टिम की बॉडी में जाते ही वो पैरासाइट अपने आप को बदल ले रहा था। हर बॉडी में उसके अलग स्ट्रेन्स थे। और अब तो ये भी प्रूव हो चुका था कि ये इन्फेक्शन हाईली कंटेजियस भी है। हमारे देखते ही देखते वो पूरा गांव इस बीमारी ने तबाह कर दिया था, और हम इस बीमारी का कोई नाम भी नहीं रख पाए थे। इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से हम इसे पैरासाइट एक्स बोल रहे थे। सिम्टम्स आते ही उस लड़की को फिर से क्वारंटाइन कर दिया गया, और एक हफ्ते बाद ही हमारी पूरी टीम को भी डिसबर्स कर दिया गया। हमें अचानक से बोल दिया गया कि रिसर्च खत्म कर दी गई है, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। उस लड़की के बारे में मैंने फिर कभी नहीं सुना। शायद आपको ये बात इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो पैरासाइट कितना खतरनाक था। मैंने आज तक इतनी खतरनाक इन्फेक्शन कभी नहीं देखी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि सिर्फ उसके सिम्टम्स आने में ही दो महीने का वक्त लग जा रहा था। पता नहीं उनकी गवर्नमेंट ने कैसे वो सब हैंडल किया होगा भी या शायद नहीं।